अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि इतना कुछ होने के बावजूद आज भी हम साथ हैं। एक ही मेज पर बैठ के हम सब घर वाले खाना खा रहे हैं, और आज के बाद मैं किसी को भी हमारे खानदान हमारे घर को तोड़ने नहीं दूंगा। आइंदा कभी हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह करो। बाबा जान। ओह मेरी बेटी। एक मिनट जहरा, हमारी बेटी रायान कहाँ है? आप ही तो नहीं है, वो तो मीरान भाई के पास गई है। गुल क्या कह रही है खजर? इसने बिल्कुल ठीक कहा है बाबा। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? हम ही ने भेजा है उसे, वो खुद कहाँ गई है? सब कुछ जानते तो हैं आप दादा जान। आप ही तो मीरान भाई से इसलिए दूर हुई है ताकि बाबा जल्दी ठीक हो जाएं। बाबा तो ठीक हो गए हैं। इसे अंदर ले जाओ। गुल चलो किचन में चल के खाना खाते हैं। दूध का गिलास भी ले जाओ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसके फैसले से इनकार करना मुझे मुनासिब नहीं लगा बाबा। आज तक जो कुछ भी मैंने रेहान के साथ किया उसकी तलाफी करूंगा। किसी को भी अपने बच्चों को तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। बहुत दुख उठाए मेरी बच्ची रेहान ने। मैं वादा करता हूं आज के बाद किसी को भी रेहान को तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। उसे वहां से वापस लाना होगा, दुश्मन के पास नहीं छोड़ सकते उसे। भाई बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप रेहान को ले आए। नहीं वो अब वापस नहीं आएगी, हम सबसे दूर चली गई है। अगर उसका गुस्सा ठंडा हो भी जाएगा तब भी वापस नहीं आएगी, वीरान को नहीं छोड़ सकती वो। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रेहान अब इस घर में वापस कभी नहीं आएगी। मानता हूं वीरान ने इस बार तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया खिजर, लेकिन कितनी ही बार तुम्हें मारने की धमकी दे चुका है। क्या तुम वो सब कुछ आसानी से भुला दोगे? जब भी उसे मौका मिलेगा वो तुम्हें और रेहान को तकलीफ ही पहुंचाएगा। अपने हाथों से तुमसे इंतकाम लेने के लिए अपना खून तक दिया उसने। क्या ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? मीरान ने हजर साहब को खून दिया था? क्या कह रहे हैं आप? आप लोगों ने ये बात मुझे अब तक क्यों नहीं बताई? क्यों चुप रहे? हाँ जहान आजाद बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? या मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं? आप लोग मेरे अपने होते हुए भी मुझसे ही ये बात छुपाई, ऐसा क्यों किया? इससे क्या फर्क पड़ता, हमें भी बाद में पता चला। बेटा तुम इस बात को गुस्सा मत करो, हम सब जानते हैं कि मीरान ने अपना खून तुम्हें किस लिए दिया है। ये बाबा आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर मैं उस वक्त आपकी बातें सुन लेता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता, और ना मैं मीरान को गलत समझता। ये क्या किया आप लोगों ने? मैं तो मीरान से इतनी नफरत करता था, मुझे क्या पता कि वही मेरी जिंदगी बचाने में सबसे आगे होगा। खिजर साहब बात तो सुन लो बेटा। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता, और ना ही सुनने के लिए कुछ बाकी रह गया है। आप लोगों ने मुझे गुनाहगार कर दिया है बाबा, इस गुनाह की माफी है ही नहीं। ओह मेरे अल्लाह, अब सिर्फ एक ही बात पूछूंगा, बिल्कुल सच बोलिएगा आप लोग, इसके अलावा और कोई ऐसी बात है जो आप लोगों ने मुझसे छुपाई हो? जी खजर साहब,